हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सही, आज जो है करने वाले हैं एक्सट्रीम 160R का डिटेल्ड राइड रिव्यू। देखेंगे ये बाइक जो नई आई है इसमें क्या नई चीज़ें हैं, क्या पावर एक्स्ट्रा फील हुई नहीं हुई, USD सस्पेंशन कितना कंफर्ट दे रहे हैं, जो बाइक है वो कितनी स्टेबल है, जो सीट नई दी है वो कितनी कम्फर्टेबल है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड देन बताता हूँ सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें जो हमें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मेरी जो आइटम वो है 6'11" फिट एंड ये देखो दोनों पैर मेरे आराम से नीचे आ रखे हैं, 5'4" 5'5" तक जो बंदा इसको इजिली हैंडल कर सकता है। तो जो मेरा वेट है वो है 79 kg और उस हिसाब से कैसा मेरे को राइड एक्सपीरियंस मिलता है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट गियर पे जो है उठाते हैं बाइक को एंड अभी सेकंड मैंने डाल दिया है एंड अभी थर्ड। वैसे जो है ना मैं अभी फर्स्ट टाइम नहीं चला रहा हूँ, 60 किलोमीटर ऑलरेडी डन कर चुके हैं, तो अभी जो एक्सपीरियंस है ना वो अच्छे से मैं बता पाऊँगा। सबसे पहली चीज़ अभी जो है मैं फिफ्थ गियर में चल रहा हूँ तो मेरे को जो है ना ये रिफाइनमेंट जो है ना काफ़ी सही लग रही है, इसकी स्मूथनेस जो है ना इंजन की वो आपको नज़र आएगी, लाइक जब आप चलाओगे ना तो आपको फील होगी। तो जो रिफाइनमेंट है वो पहले से बेहतरीन की है कहीं ना कहीं हीरो ने अब की बार। और जो एग्जॉस्ट की साउंड है या फिर जब चलाते टाइम जो एग्जॉस्ट की साउंड अपने हेलमेट में से निकल के और लाइक जो कानों में जाती है वो काफ़ी अच्छी फील होती है, बेसी फील होती है, ठीक है। तो वो मेरे को काफ़ी सही लगा। उसके बाद 0 to 60 इसका काफ़ी बढ़िया है, 4.7 सेकेंड में अचीव कर लेती है और कोई हीटिंग इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल कूलिंग इंजन दे दिया है, 4 वेल्व्स दे दिए हैं और जो साइड मिरर्स हैं ना इनका व्यू काफ़ी बढ़िया है, इधर से भी और इधर से भी। तो ओवरऑल जो एंगल मेरे को काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, मैं लाइक फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाइक को राइड कर सकता हूँ। अब हल्का सा टर्न है तो इस पर जो है ना लाइक मेरे को स्पीड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लीन भी कर सकते हो, बट लीन करने लायक ये टर्न था नहीं। दूसरी बात जो सबसे मेन है कि भैया कम्फर्ट कैसा है, तो कम्फर्ट आपको बता दूंगा ये 60-70 किलोमीटर्स में ऑलरेडी चला चुका हूँ, मेरे को जो है अभी तक कोई फील नहीं हुआ, ठीक है। इतने में जो है ना लाइक कोई और बाइक होती है जैसे अपाचे है उसमें जो है ना मेरे को फील हो जाता है कि हाँ यार वो कंफर्टेबल नहीं है। इसमें 2 सीट आती है लाइक स्प्लिट सीट आती है, राइडर के लिए तो है ही कंफर्टेबल, लेकिन लिखवा के ले लो यार, जो पीछे वाली सीट है ना वो कभी भी निराश नहीं करेगी पिलियन को, क्योंकि वो इतनी कंफर्टेबल है ना, इतनी मोटी जो सीट है वो है, वो इतनी कंफर्टेबल कुशनिंग है उसकी कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा जब आप अपनी वाइफ के साथ चलोगे, फादर मदर किसी के साथ भी चलते हो तो भाई वो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने बोला कि मज़ा आ जाएगा। तो कंफर्ट के मामले में नो इशू, राइडिंग पोजीशन अच्छी है, कोई पेन यहाँ पे आपको फील नहीं होता, ओवरऑल जो है राइडिंग कंफर्ट जो है आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। इसका परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने इसका टॉप एंड टच किया था 126 के करीब, तो वो वीडियो चैनल पे है जाके आप देख सकते हो, तो टॉप एंड काफ़ी बढ़िया है इस बाइक का। उसके बाद RPMs भी जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं, 80 की स्पीड तक आप क्रूज़ कर सकते हो, हैंडलिंग वगैरह जो है सही है, ब्रेकिंग वगैरह जो है लाइक ये देखो, तो ब्रेकिंग जो है ना अभी हम टेस्ट करते हैं, लाइक देखो ये देखो, तो ब्रेकिंग जो है ना काफ़ी सही है। ओवरऑल जो डिस्क का रिस्पॉन्स है ना वो आपको एकदम से झटका देता है कि हाँ भाई रुकने वाला है, ये नहीं है कि हाँ दूर जाके रुके, ये देखो टायर्स की आवाज़ आ जाती है बट बाइक इधर से उधर नहीं जाती, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है और अच्छा खासा ब्रेकिंग रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल ब्रेकिंग भी अच्छी है, कंफर्ट भी बढ़िया है, इंजन भी बढ़िया है, सस्पेंशन कैसे हैं, तो या ये जो है USD सस्पेंशन दे दिए कंपनी ने अभी, ठीक है। ऑफ रोड में करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये बाइक उसके लिए है नहीं, उसके लिए आप एक्सपल्स उठाओ वो बेहतरीन है। तो ये USD सस्पेंशन रोड पे कैसे हैं, तो भाई साहब अभी देखना, छोटे मोटे गड्ढे मेरी में लेके जाता हूँ तो पता नहीं चलता है, काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन है, यदि ज़्यादा ही बड़े गड्ढे आते हैं तो हो सकता है कि आपको फील होगा डेफिनेटली होगा, क्योंकि कोई भी बाइक या गाड़ी को फील कराएगी, लेकिन छोटे मोटे बम्प स्पेस ऐसे स्मूथली निकल जाती है कि भाई पता ही नहीं चलता है। तो वो चीज़ है कि हाँ आगे पीछे दोनों ही सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट हैं, लाइक मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही सॉफ्ट है, क्यों बिल्कुल सॉफ्ट होते तो भैया फिर भी जो है गड्ढे फील होंगे, तो यहाँ पे एक सॉफ्टर साइड दिए गए हैं, तो वो चीज़ है कि हाँ आपको अच्छा खासा एक रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। ये अपाचे जा रही है अपनी, तो जयपुर में जो है ना वैसे लोग हेलमेट वगैरह कम यूज़ करते हैं, आई डोंट नो वाई, उधर उसने भी नहीं लगा रखा था, इधर इसने भी नहीं लगा रखा,
तो ये था यार इसका एक छोटा सा लाइक जो है मेरा एक्सपीरियंस, जो मेन मेन चीज़ें थी ना मैं वो बताना चाहता था। फालतू की कोई बात मैंने इस वीडियो में आई डोंट थिंक की हो, क्योंकि जो मेन चीज़ आपको लगता है वो मैंने बताई है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी जो हेडलाइट वगैरह वो LED में है और उसका रिस्पॉन्स पहले जैसा ही मिलेगा, तो वो आपको अच्छी खासी लाइटिंग देगी। तो वो आपने पहले भी देखा होगा लाइक जो ओल्ड मॉडल एक्सट्रीम थी उसमें भी LED थी, वही सेम है इसके अंदर। मीटर की विजिबिलिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ आपको। 100 मैंने ब्राइटनेस रख रखी है, बट धूप के अंदर नहीं दिखता इतना। यदि इसमें कोई पूछे ना कि टाइम क्या हो रहा था, वो मेरे को नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ स्पीड दिख रही है मेरे को कि क्या स्पीड है, और कैमरे में वो भी जस्टिफाई नहीं होगी। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल फीचर्स इसमें लाइक कनेक्टेड दे दिए हैं अभी, तो वो सारी चीज़ें अभी आ गई हैं। बट हाँ, कुछ एक फ़ीचर्स की अभी भी कमी है, लाइक ये माइलेज वगैरह शो नहीं करती है, रेंज ये शो नहीं करती है। तो वो सारी चीज़ें आ जाएँ तो फिर कहना ही क्या है। एंड हैज़ार्ड का बटन इसके अंदर है, बटन्स चेंज कर दिए, काफ़ी प्रीमियम बटन्स कर दिए हीरो ने। फील आती है कि हाँ यार, एक रियल स्ट्रीट फाइटर आप चला रहे हो, जिसमें अच्छी खासी प्रीमियम क्वालिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दी इस बाइक के बारे में, और जो गियर है ना इसके काफ़ी सॉफ्ट है। तो आप लोग गाइस, मैं तो यही बोलूँगा कि इस बाइक की तरफ जा सकते हो, डेली कम्यूट करना है ना, और 80-85 आपको क्रूज़ स्पीड रखनी है, तो इस बाइक की तरफ आप जाओ आँख बंद करके। प्राइस जो है इसकी स्टार्ट होती है 1,27,000 से, जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल आता है। ये इसका टॉप एंड मॉडल है, जिसके अंदर USD सस्पेंशन वगैरह मिल जाता है, और भी काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि ये प्रीमियम बटन्स हैं, एंड ये प्रीमियम कलर्स हैं, प्रीमियम सीट है, काफ़ी कुछ है। तो ये सब जो है प्रो मॉडल है, और प्रो मॉडल में जो है सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो प्रो मॉडल में जो है ना लाइक प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है, लाइक 10,000 रुपये महंगा है ये स्टैंडर्ड वेरिएंट से, और बीच में आता है 1,32,000 का इनका कनेक्टेड फीचर, तो वो भी आप उठा सकते हो। बट वैल्यू फॉर मनी बोलूँ तो ये टॉप एंड मॉडल ये यही लो, इसी में फील आपको आएगी। 10,000 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो जा सकते हो इसकी तरफ। बाकी यार कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करो, आपका भाई रिप्लाई ज़रूर करने वाला है। तो चलो यार, यही था कुछ छोटा सा राइड एक्सपीरियंस मेरा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा है तो भाई नीचे बता दो क्या कमी रह गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये मत बोलना माइलेज क्या दे रही है, टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो माइलेज टेस्ट ही है, तो उसके लिए आप लोग वेट करो, या फिर हो सकता है मैंने ऑलरेडी डाल दी हो तो वो जाके आप लोग चेक कर लेना। तो चलो यार, मिलते हैं भाई अभी नेक्स्ट वीडियो में। यही था एक मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ में आई होप अच्छे से शेयर कर दिया है। और सीरियसली बोल रहा हूँ, ये जो बाइक है ना भाई, पहले से ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है, पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। ये दो मेन चीज़ें इसकी, और 0-60 तो ये पता ही नहीं चलता कब कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार एक्सट्रीम 160R की खासियत। तो जाओ बुक करो, परचेज करो, एक अच्छा ऑप्शन जो है अभी क्रिएट हो चुका है अपने 160cc क्लास में। तो आप लोग जो इसकी टेस्ट राइड लेना पहले, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कमियां हैं जो रह गई हों मेरे से, आपको पता चल जाए, फिर आपको लगे वो, तो वो आप लोग चेकआउट करना ज़रूर टेस्ट राइड लेके। तो चलो यार, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।